नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 20। बात करते हैं झारखंड की खास खबर। निरसा झारखंड के खसूरी पंचायत के मुखिया और ग्रामीणों ने मिलकर पंप हाउस में ताला लगाया। मुखिया साधन रवानी का कहना है, बराकर इंजीनियरिंग ईसीएल के शिंदर कॉलोनी बानी पंप हाउस से 1985 उसमें से जल आपूर्ति खुशारी और वासुदेवपुर को मिलता था। विगत 5-6 दिनों से खुशारी और वासुदेवपुर कैंप का पानी बंद कर दिया गया, सिर्फ सिंदरी कॉलोनी में पानी सप्लाई किया जा रहा था। खुशारी और वासुदेवपुर गाँव वालों ने यह सूचना खसूरी पंचायत के मुखिया साधन रवानी को दी। इंजीनियरिंग वर्क के फॉरमैन अकबर खान से पूछताछ की, खुशरी और वसुदेवपुर को पानी क्यों नहीं मिल रहा। इसमें उन दोनों के बीच नोकझोंक हुई। मुखिया साधन रवानी और खसूरी और वसुदेवपुर के ग्रामीणों के साथ जाकर पंप हाउस में ताला लगा दिया। आज निरसा थाना में भी एक बैठक हुई। इसमें खूबसूरत पंचायत के मुखिया साधन रवानी, निरसा मध्य के मुखिया सज्जाद अंसारी, गौतम सेन गुप्ता ईसीएल एजेंट सत्येंद्र नाथ सिंह, बीजेपी के मुन्ना सिंह ईसीएल एजेंट सतान्द्र सिंह ने लिखित में लिया, 4 दिन के अंदर समस्या का समाधान कर देंगे। मुगमा से मलय गोप की रिपोर्ट। आकर व इंजीनियरिंग में कारखाना वहाँ से पानी 1985 से चलते आ रहा है, उसमें खुसरी का भी ग्रामीणों को मिलता है, बाजदेपुर कैंप का भी वर्कर लोग का कॉलोनी जो है वहाँ भी मिलता है, चलते आ रहा है। लेकिन ये करीब करीब 5-6 दिन से पानी नहीं जा रहा, खुशरी है बाजदेवपुर कैंप। त्यौहार है, होली है, जिसके चलते हमको सूचना मिला, ग्रामीणों ने बुलाया और ग्रामीणों के साथ कल हम लोग पंप हाउस आए थे। आने के बाद वहाँ फोरमैन को बुलाया गया, फोरमैन अकबर खां हैं, और आया वो आके कुछ नहीं, डायरेक्ट बात किया कि अभद्र भाषा में गाली गलौज किया, जो करना कर लो। उसी का ये में हम लोग कल बंदी किए थे और जिसका आज मैनेजमेंट के साथ निदान हुआ। मैनेजमेंट को किए हैं कि अगर उनका कार्रवाई अगर नहीं करता है तो 48 घंटे टाइम दिए हैं, 48 घंटा के बाद हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे इसका।